शिकारपुर विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हाजी रफीक कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली बार जब हम इनसे बात की थी तो इन्होंने बताया था कि क्षेत्र में विकास, शिक्षा के और रोजगार के मुद्दे को लेकर ये मैदान में उतरे हैं। तो इनसे जानते हैं किस तरह के समीकरण और रणनीति बनाएंगे शिक्षा और रोजगार को लेकर अगर ये विधायक बनते हैं तो। स्वागत है विधायक जी आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो मुझे ये बताइए, आप कह रहे थे कि हम शिक्षा के मुद्दे उठाएंगे, रोजगार के मुद्दे उठाएंगे, तो इन मुद्दों पर अगर आप जीत जाते हैं तो किस तरह से रणनीति बनाकर क्षेत्र के लिए काम करने वाले हैं? रणनीति तो हमारी अपना बन जाएगी। 225 सीट लेकर के जब हम लोग सरकार बनाएंगे यहाँ यूपी में, आप ये लगा लो कि हमारी बहन जी इतनी सक्रिय हैं कि वो सभी मतलब के हम लोगों को सक्रिय कर देंगी और हम लोग सब पब्लिक की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हो रहे हैं, जन जन पर जा रहे हैं, एक एक घर पर जा रहे हैं, उन लोगों की समस्याएँ पूछ रहे हैं, उन समस्याओं को जोर तरीके से उठाएंगे, बहन जी के सामने भी बहन जी को बताएंगे, बहन जी खुद मतलब इसका संज्ञान लेंगी। क्षेत्र की जो जनता है वो स्थानीय मुद्दों से प्रभावित होती है, प्रत्याशी की तरफ आकर्षित होती है, आप कौन से गुण अपना रहे हैं ताकि जनता आपके साथ हो सके और आपको बहुमत हासिल हो सके? देखिए, मैंने जो जाकर के देखा है, यहाँ बंजर मतलब का इलाका पड़ा है ना, जो जनता तरस था करके इन लोगों से मेरे साथ आई है, जो मुझे चुना है, इन्होंने देखा है खुर्जे का विकास कि खुर्जे में जैसे विकास कराते हैं हम लोग, जन समस्याएँ की सुन, जन मीटिंग लगाते हैं, एक जनसंपर्क करते हैं, हम वहाँ बैठ करके उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका सबका निदान करते हैं, इसीलिए इन लोगों ने मुझे यहाँ चुना है कि आप आओ और आप हमारा समस्याएं सुनो। यहाँ के जो पहले विधायक रहे हैं वो मंत्री भी रहे हैं और इस बार भी वो मैदान में हैं, तो क्या लगता है आपका जो चुनाव का जीतने तक का रास्ता है वो कहीं ना कहीं कठिन होने वाला है या फिर आप निकलने वाले हैं आगे? ऐसा है, कोई कठिन नहीं है। आप मेरे पास सुनो, जो ज़्यादा ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो वो ऐस परस्ती में सारी जनता को भूल जाता है, फिर जनता को वो कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। मैं जनता का आदमी हूँ, पब्लिक का आदमी हूँ, मैं जन जन से लोगों से मिलूँगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनका निदान करूँगा। ये भूल जाओ कि मतलब क्या मंत्री को वोट मिलता है, मंत्री को वोट नहीं मिलता है, जो पब्लिक में घुस करके काम करता है उसी आदमी को चाहती है। ये तो मतलब क्या मजबूरी होती है, जब कोई नहीं होता है ऐसा आदमी तो किसी न किसी को देना ही होता है वोट। अब इनके सामने आ गया है एक मौका कि भाई मतलब के ये जन समस्याएं सुनने वाला आदमी है, हमारी सुनेगा, तो अब ये सब लोग मेरे साथ हो गए। हर समाज का वोट मेरे पास है, ऐसा नहीं है, आप यकीन करना, हर समाज से मतलब के 80% वोट मुझे मिल रहा है। आप मेरा यकीन करो या मत करो, ये जनता बता देगी 10 तारीख को। बुलंदशहर की सातों विधानसभा सीट पर भाजपा पिछली बार काबिज रही थी, आप खुर्जा के निवासी हैं, वहाँ भी भाजपा थे और इस बार यहाँ हैं, यहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी काबिज रहे थे, तो क्या लगता है आपको इन 5 सालों में सरकार ने कितना काम किया है भाजपा ने यहाँ पर? जीरो, नंबर ही नहीं है कोई। भाई साहब, आप ही जनता से पूछो ना, मुझसे नहीं पूछो, एक एक जनता में जाओ, मेरे साथ चलो, मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ लोगों से, आप जनता से पूछो कि इन्होंने क्या काम किया है, खाली ACO में बैठने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए इनसे लोग नाराज हैं। हाँ, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हाजी रफीक, इनका साफ तौर पर कहना है कि सर्व समाज इन्हें इस बार वोट देकर भारी मतों से जिताने वाला है और ये विधानसभा जाएंगे, जिसके बाद अगर जीते हैं तो क्षेत्र के मुद्दे विकास और रोजगार पर यानी शिक्षा तक पर ये काम करने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव जो मतदान होंगे उसमें इस विधानसभा से प्रत्याशी कौन जीतने वाला है और यूपी में मुख्यमंत्री के पद पर कौन काबिज होगा। अपने सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ मैं हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।